हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं कुछ एक्सरसाइजेज आपको बताने वाला हूँ पेरिफॉर्मिस मसल सिंड्रोम के लिए। पेरिफॉर्मिस मसल सिंड्रोम तब होता है जब हमारे हिप की पेरिफॉर्मिस मसल्स पे किसी तरह की इंजरी होती है, और इस इंजरी के कारण जब ये मसल्स टाइट हो जाती है या फिर इस मसल्स पे स्वेलिंग रहती है, तो इसके अंदर से गुजरने वाली शियाटिका नर्व के ऊपर भी कंप्रेशन आता है और पेशेंट को अपने हिप से लेकर पैरों तक बहता हुआ दर्द होता है। ज़्यादातर शियाटिका की समस्या के अंदर भी हमें इस मसल्स की टाइटनेस देखने को मिलती है। तो आज के इस वीडियो के अंदर कुछ एक्सरसाइजेज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिन एक्सरसाइज को अगर आप रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो आप अपने इस पेरिफॉर्मिस मसल सिंड्रोम की कंडीशन को घर रहकर ठीक कर सकते हैं, और इन एक्सरसाइज को करने से आपको शियाटिका के होने वाले पेन में भी काफ़ी आराम मिलेगा। अगर आपको इन एक्सरसाइज को करके आराम मिलता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाइएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइज। दोस्तों, पेरिफॉर्मिस मसल्स के पेन को कम करने के लिए हमें सबसे पहले उस मसल्स की टाइटनेस को कम करना होता है। इसलिए हमारी सबसे पहली जो एक्सरसाइज है वो इस मसल्स को टारगेट करती है, और इसकी स्पाज़म को, इसकी टाइटनेस को कम करने के लिए हम लोग स्ट्रेच करते हैं। स्ट्रेच को करने के लिए आपको जिस पैर में पेरिफॉर्मिस के पेन की समस्या है उसको आपको क्रॉस करके दूसरे पैर के पास रखना है और अपने हाथ से इसे स्ट्रेच करना है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। स्ट्रेच में आपको ध्यान देना है कि अगर मसल ज़्यादा टाइट है तो आपको उस लेवल तक ही स्ट्रेच करना है जहाँ तक आपको पेन ज़्यादा ना हो। धीरे धीरे जब आप इसे रेगुलर स्ट्रेच करते जाएंगे, इसकी रेंज धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और आपको दर्द में भी काफ़ी आराम रहेगा। पेरिफॉर्मिस के पेन के अंदर काफ़ी बार देखा गया है कि स्ट्रेच करने से भी पेन बढ़ता है। अगर ऐसी समस्या अगर आपको होती है तो आप पहले उस मसल्स की स्वेलिंग को, टीयर को रिपेयर करें, फिजियोथेरेपी का ट्रीटमेंट लें, बर्फ़ का सेक करें वहाँ पर, और उसके बाद फिर स्ट्रेचेस करें। दोस्तों, वही हमारी दूसरी एक्सरसाइज है, इसे फिगर एंड फोर्ड का टेस्ट भी हम लोग कहते हैं, और बेसिकली ये पेरिफॉर्मिस मसल्स का स्ट्रेच होता है। इसे करने के लिए जिस पैर में आपको पेरिफॉर्मिस का पेन की समस्या है या फिर शियाटिका की दिक्कत है, उस पैर को आपको मोड़ के दूसरे पैर पर रख लेना है और फिर उस पैर को अपने हाथ से पकड़कर पीछे खींचना है। इस वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें लेफ़्ट पैर के अंदर शियाटिका की दिक्कत है और हमने लेफ़्ट को राइट पैर के ऊपर रखा है और फिर राइट पैर की थाई को पीछे की तरफ खींचा है। ऐसा करने से आपकी पेरिफॉर्मिस मसल्स पे स्ट्रेच आता है, शियाटिक नर्व पे अच्छा स्ट्रेच आता है, और जिन लोगों को पैरों में बहता हुआ दर्द रहता है हिप की मसल्स की टाइटनेस के कारण, उनके लिए भी एक्सरसाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा इसमें आपको रिलीफ मिलेगा। शियाटिका के पेन के अंदर भी आप ये सभी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। इन सभी एक्सरसाइज को हम लोग शियाटिका की समस्या के अंदर भी सजेस्ट करते हैं। इन एक्सरसाइज को करने के लिए आपको 10 से 15 रिपीटेशन लेने हैं हर एक्सरसाइज के, और दिन में 2 बार इन सभी एक्सरसाइज को करना है। वही हमारी तीसरी एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज है शियाटिक नर्व फ्लोसिंग। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको अपनी थाई को 90 डिग्री पे रखना है और फिर नीचे वाला जो पैर वाला हिस्सा है उसे आपको पूरा ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है। अगर आपकी हैमस्ट्रिंग की टाइटनेस कम रहेगी तो आप इस पैर को और काफ़ी हद तक सीधा कर पाएंगे, लेकिन जिन लोगों में टाइटनेस रहती है उनका ये पैर पूरा प्रॉपर सीधा नहीं हो पाता और एक अच्छा स्ट्रेच शियाटिका और पेरिफॉर्मिस मसल्स पे मिलता है। इस एक्सरसाइज को हम लोग शियाटिक नर्व फ्लोसिंग भी कहते हैं, और ये हैमस्ट्रिंग का स्ट्रेच भी इसमें अच्छा खासा हमें देखने को मिलता है। किसी भी एक्सरसाइज में अगर आपको पेन होता है करते हुए, दर्द ज़्यादा होता है, तो फिर आपको इस शियाटिका या पेरिफॉर्मिस का पेन आपको L4 L5 की डिस्क की समस्या से भी हो सकता है, इसलिए डायग्नोसिस बहुत ही ज़रूरी है किसी भी एक्सरसाइज को करने से पहले। वही हमारी अगली एक्सरसाइज है, इसमें हम अपनी हिप मसल्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे, मजबूत करेंगे, क्योंकि काफ़ी बार देखा गया है कि सिर्फ स्ट्रेचिंग से ही आराम नहीं मिलता कुछ पेशेंट्स के अंदर, तो ऐसे पेशेंटों के अंदर हम लोग इस मसल्स की स्ट्रेंथ करवाते हैं, उसमें काफ़ी अच्छा हमें रिजल्ट देखने को मिलता है। तो इस एक्सरसाइज को कॉम्शल एक्सरसाइज कहते हैं। इसको करने के लिए आपको दोनों घुटनों को मोड़ लेना है और फिर जिस पैर में दर्द की समस्या है उस पैर को जैसा वीडियो में हम दिखा रहे हैं वैसे ऊपर तक आपको उठाना है, 5 सेकेंड होल्ड करना है और फिर वापस नीचे लेकर आना है। इस एक्सरसाइज को करते हुए ध्यान आपको ये रखना है कि आपकी कमर का हिस्सा इसमें बेंड नहीं होना चाहिए, आपको सिर्फ अपने पैर को ऊपर की तरफ उठाना है। ये एक्सरसाइज हमारी हिप की मसल्स को स्ट्रॉन्ग तो करती है, साथ में जिन लोगों को हिप जॉइंट की टाइटनेस रहती है उन लोगों के लिए भी एक्सरसाइज काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, तो वो लोग भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। वही हमारी आखिरी एक्सरसाइज है, इसे करने के लिए आपको बस टेढ़ा लेटना है और फिर अपने पैर को पीछे की तरफ ले जाकर ऊपर उठाना है।
इसका एक और वेरिएशन है कि आप किसी दीवार पे इस पैर को रख के रगड़ते हुए ऊपर भी ले जा सकते हैं और फिर वापस नीचे भी लेके आ सकते हैं। इसमें आपकी हिप मसल्स की स्ट्रेंथ होती है, आपकी ग्लूट्स मसल स्ट्रेंथ रहेगी तो शियाटिका पे प्रेशर कम रहेगा और आपको दर्द में काफ़ी अच्छा आराम मिलेगा। जिन लोगों को हिप पेन की समस्या रहती है वो भी इन एक्सरसाइज को कर सकते हैं, उससे भी इनको काफ़ी अच्छा आराम रहेगा। किसी भी एक्सरसाइज में दर्द आने पर पहले आप अपनी समस्या को डायग्नोस करवाएं, अपने फिजियोथेरेपिस्ट से मिलें और उसके बाद ही सारी एक्सरसाइजेस करें। ये बात हम हमेशा कहते हैं कि एक प्रॉपर डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है किसी भी एक्सरसाइज को करने के लिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।